स्नेहा धीर, सांझा पंजाब टीवी, अमृत। अगर आप बिना मास्क पहने गाड़ी में अकेले बैठे हैं, ये पुलिस वाले आपका फाइन काट लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता लोग बिना मास्क पहने हजारों की भीड़ में पॉलिटिकल रैलीज निकालें तो भी उनका कोई फाइन नहीं काटता। हम लोगों को आदत हो गई ऐसी जिंदगी जीने की, जहां पर आम आदमी के लिए कुछ और कानून नियम है, खास वीआईपी लोगों के लिए कुछ और कानून नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं दुनिया में जहां पर ऐसा नहीं होता, जहां सही मायनों में इक्वालिटी होती है। नॉर्वे को देख लीजिए। नॉर्वे में अभी रूल बना था कोविड की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी करी जिसमें 13 लोग आ गए, 3 लोग ज्यादा आ गए जो कानून कहता था उससे। लेकिन नॉर्वे की पुलिस ने उनको 20,000 नॉर्वेजियन क्रोने का फाइन किया, 1.75 लाख रुपीज होता है। इनफैक्ट नॉर्वे की पुलिस ने ये तक कहा कि अगर ये कोई आम आदमी ने ये रूल तोड़ा होता तो हम उन्हें फाइन नहीं करते, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक देश का लीडर कुछ करता है, देश के सारे लोग उसे देखकर फॉलो करेंगे, इसलिए हमने प्रधानमंत्री को फाइन किया। इसे कहते हैं दोस्तों रूल ऑफ लॉ, कि जो देश में कानून नियम है वो सही तरीके से सब पर बराबर अप्लाई किए जा रहे हैं। सोच कर देखे जरा किस तरह का देश चाहते हैं आप। का खून गटक गई, अच्छे दिन वाली गाड़ी रास्ते में ही भटक गई। गोरखपुर का संत आज यूपी का सीएम है, और जो अपनी बीबी का ना हो सका वो देश का पीएम है। चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई। विकास की मम्मी रास्ते में ही भटक गई। लड़कियां भाव खा रही हैं, लड़के धोखा खा रहे हैं, पुलिस रिश्वत खा रही है, नेता माल खा रहे हैं, किसान जहर खा रहा है, जवान गोली खा रहा है। कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है। झाड़ू वाला मुख्यमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री है, तड़ी पार देश का गृह मंत्री है, अंगूठा टेक सरपंच है, और हम ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले व्हाट्सएप फेसबुक पर ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं। अकेला आदमी परिवर्तन लाता है, शादीशुदा सब्जी लाता है, जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता दोनों कहाँ सुनते हैं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किलोमीटर घंटा रफ्तार वाली ट्रेन के बाद 7G टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, और इंडिया में पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप पर 11 लोगों को मैसेज भेजकर फ्री बैलेंस और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, और तो और नहीं भेजा तो अप्रिय घटना की चेतावनी दे देते हैं। अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए और दूसरी मच्छरों के लिए। तकलीफ ये है भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। पेट खाली है और योगा करवाया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है, रहने को घर नहीं शौचालय बनवाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, कंपनियां सारी विदेशी और मेक इन इंडिया कहा जा रहा है, जाति की गंदगी दिमाग में और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, आटा इन दिनों महंगा हो रहा है और डाटा इन दिनों सस्ता हो रहा है, सचमुच मेरा भारत देश बदल रहा है। वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हैं। आपने अर्थशास्त्री को हटाकर सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था सुधार देगा जिसकी डिग्री तक संदिग्ध है। वो तो खुद कह रहा था कि मैंने चाय बेची है। आप भावना में बह गए। चाय बेचने वाले से आपको सहानुभूति हो सकती है, आप उससे प्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बैलेंस शीट नहीं बनवा सकते। आपने देश की बैलेंस शीट उनके हाथ में सौंप दी तो मूर्ख कौन है? उसने पहले ही बता दिया था कि उसने घर छोड़ा था, बीवी छोड़ी थी, मतलब वो जिम्मेदारी से भागता है। लेकिन आपने इसे भी देशभक्ति से जोड़कर देश की जिम्मेदारी उसे सौंप दी तो मूर्ख कौन है? उसकी इतिहास की जानकारी गड़बड़ है, उसकी भूगोल की जानकारी गड़बड़ है, ये आपको पहले से पता था, लेकिन आपने देश का वर्तमान और भविष्य उसके हाथ में सौंप दिया तो मूर्ख कौन है? वो नाले की गैस से चाय बनवाता है, वो बादल में फाइटर जेट छिपाकर राडार से बच जाता है, वो विंड टरबाइन से ऑक्सीजन अलग करवाता है, और आप ताली बजाते हैं तो मूर्ख कौन है?
मूर्ख आप हो, मूर्ख वो नहीं है। उन्हें मूर्ख बोलकर अपनी खीज मत उतारिए।